Good morning, guys. Welcome back to my channel, Doctors Travelogy and Foodology. Or it's a very good morning from Manali. And today is day third. जो कल का ट्रिप रहा बहुत अच्छा था पराशर लेक का. आज हम लोग जाने की प्लानिंग कर रहे हैं सोलांग वैली. तकरीबन जहाँ पे मेरा स्टे है वाइट स्टोन रिजॉर्ट, यहाँ से 18 से 20 किलोमीटर है. बट मैं कुछ ये नहीं सोच सकता कि आधा घंटा लगेगा, एक घंटा लगेगा, दो घंटा लगेगा. क्योंकि रीज़न भी कि कल हम लोग जब आए 104 किलोमीटर का डिस्टेंस था पराशर लेक से यहाँ का. इट टुक अस 6 आवर्स टू कम बैक. और मनाली में इस टाइम सिचुएशन ऐसी है कि आपको एक दो किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने में भी एक घंटा लग सकता है. तो इतना भयंकर जाम है हर जगह. तो अब बस ब्रेकफास्ट के लिए जाएंगे, ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे. 10 बजे का हमने टाइम रखा है निकलने का. हमारी जो कैब है वो 10 बजे आ जाएगी. सोलांग वैली में मेरे को जो बताया गया है वो एक्टिविटीज़ हैं, ज़िपलाइन है और क्वाटर बाइक है और पैराग्लाइडिंग है. तो देखते हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि अगर किसी का वेट ज़्यादा होता है तो उनको पैराग्लाइडिंग नहीं करने देते हैं. एंड आई एम अबाउट 90, तो आई डोंट थिंक कि मेरे को करने को मिलेगा. देखते हैं क्या वहाँ मिलेगा, वो मैं आपको शेयर करूँगा आप लोगों से. और वही है यार, मनाली में थोड़ा सा इस टाइम बहुत जो टूरिस्ट का प्रेशर है बहुत ज़्यादा है. एंड आई डोंट थिंक कि ये ज़्यादा टाइम चलेगा. कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को इसके लिए करना पड़ेगा, या तो रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा ट्रैवलर्स को. जो भी है, कुछ ना कुछ तो चेंज करना पड़ेगा, तभी कुछ पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, कुछ चेंज हम यहाँ देखने को मिले. बाकी ऑल इन ऑल सो ट्रिप है ये. मेरे को बहुत मज़ा नहीं आया, क्योंकि जो ट्रैवल करने में जो मज़ा आता है कि जो शांति, क्योंकि हम दिल्ली की हसल बसल से दूर आते हैं और दिल्ली की हसल बसल जाके यहाँ पे भी वही शोर शराबा जाम, उसी से झेलना तो बड़ा अजीब सा लगता है. क्योंकि हॉलीडेज़ में इसी रिस्पाइट से मिलते हैं. बस यहाँ थोड़ा टेम्परेचर थोड़ा दिल्ली से कम है, बाकी तो चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद सोलांग वैली की तरफ चलते हैं. हेलो गाइज, तो अब मेरी हमारी टेम्पो ट्रैवलर आ गई है. नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स सोलांग वैली और वी आर हेयर फॉर वन मोर डे. टुमारो इन द इवनिंग वी हैव आवर वोल्वो बैक टू डेली. सो नाउ वी विल गो आउटवर्ड्स टूवर्ड्स सोलांग वैली एंड सी वॉट इज देयर. स्टे ट्यून्ड विद मी. भैया बड़ी उम्मीद लेके आया था पैराग्लाइडिंग करने की, वो तो नहीं हो सकती अब. आज लग रहा है वेट ज़्यादा है यार. कितना कितना वेट तक करते भैया? 80 केजी तक. भैया मैं 95 नहीं हो पाएगी. ट्राई भी आपके लिए विंड हो जाएगी, पर आपके लिए विंड चाहिए प्रॉपर. अभी थोड़ा विंड स्टेबल नहीं है, मतलब 80 से कम का होगा. चलो और ऊपर वाली जो हाई वाली होती है, हाई वाली हो सकती है सर आपकी, वो भी मतलब जिसके पास बड़ा पैराशूट होता है छोटा वाला, बड़ा पैराशूट होता है. क्योंकि आज थोड़ा सा दिन जो वेदर कंडीशन है अच्छा नहीं है. अच्छा, और मेहनत करनी पड़ेगी. अभी तक तो मेहनत कर रहा था, शायद मेरे व्लॉग्स में मेहनत दिख भी रही होगी, पर अब लग रहा है कि
और मेहनत करनी पड़ेगी मेरे को ताकि अगली बार जब मैं आऊँ तो मैं पैराग्लाइडिंग कर पाऊँ। दिल टूट गया यार। सीरियसली दिल टूट गया, बिल्कुल दिल टूट गया यार। इतना इच्छा थी करने की पैराग्लाइडिंग पर नहीं हो पाई। दो है पैराग्लाइडिंग का, 1000 का है शॉर्ट फ्लाई। दो तरीके से होती है पैराग्लाइडिंग, एक 1000 शॉर्ट फ्लाई जो कि थोड़ी सी हाइट ले जाके एयर के उससे फ्लो बना देते हैं, एक है 3200 की जो कि मेरे पीछे आप देख रहे हैं रोप वे। पहले उस रोप वे से ऊपर जाते हैं काफ़ी हाई अल्टीट्यूड से, फिर वहाँ से वो कराते हैं, वो बहुत अच्छी होती है। बट उसमें भी वही है, जिसके पास बड़ा पैराशूट होगा वही हाई वेट की उसको कर सकता है। चलो नेवर माइंड, नेक्स्ट टाइम लक्की, अगली बार वेट रिड्यूस करके आएंगे और भगवान ने चाहा तो वेदर भी अच्छा होगा तब करेंगे। बहुत मजा आ रहा है। ये मेरा ट्रिप स्टार्ट हुआ था थर्सडे को और आज है संडे एंड आई एम हैविंग अ ग्रेट टाइम। सी you